उन्होंने जब भजन चालू किया तो गुरु महाराज से सत्संग शिक्षा के उपदेश की बातें प्राप्त कर ली, लेकिन भजन साधन करने के लिए अभी गुरु महाराज से आज्ञा ली नहीं थी उन्होंने। गुरु आज्ञा के लिए वो पास में रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं, उनके लाडले हैं, सब कुछ है, फिर भी उन्होंने उनको उपदेश नहीं दिया जब तक वो गुरुमुखी नहीं बने। और गुरुमुखी बने बिना तो कोई भी चीज होती है वो सफलता को प्रदान नहीं करती। चीज कोई होती है गुरुमुखी होने पर ही वो सफलता प्रदान करती है। आप जानते हो मोबाइल का जमाना, बैटरी मोबाइल में हमेशा लगी रहती है, होते होते डिस्चार्ज होती है, फिर वापस वो चार्ज करते हो तभी वो कामयाबी होती है, अन्यथा नहीं होती, वो बेकार पड़ा रहता। भले ही बैटरी उसमें पड़ी हो, बैटरी निकाली नहीं है लेकिन चार्ज नहीं है, तो यह गुरुमुखी बन जाना है वो चार्ज की भी बैटरी के समान बात हो जाती है, तो उसमें अपने आप वो शक्ति आ जाती है। तो 1836 में रामदास सिंह महाराज से, गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त की दयालदास सिंह महाराज ने, और भजन साधन करने के लिए तो उन दिनों में ये गुरुमुखी बने। तो जब ग्रंथ की रचना की है उन्होंने, गुरुमुखी बनने के लिए तो वो बताते, पहले ठाकर की ठोकर लगी, छोकर बुद गई छूट, पोकर फूटो प्रेम को चलियो प्रवाह अखूट। जो ठाकर साहब लवेरा के, उन देखते बताते हैं माता जी से बैठे बातें करते थे, दयाल जी महाराज ने बालकपणे में माँ जी से कह दिया, माँ जी मैं तो देखो ऊंट कैसे बढ़िया चलाता हूँ, छोटे पुणे में ही है। 1836 की बात है, जन्म है 1816 का, कितने साल की उम्र हुई, 20 साल की अवस्था है। तो उन दिनों में वे बातों में, अब वो सब जवानी थी, युवा अवस्था चलती जवानी में, माँ जी से कहा कि माँ जी आप बिलोना करो, देखो आपका बिलोना घी कर निकालोगे, मैं जरा जाकर के कजनों जाके वापस आऊं, अगर पहले आ गया तो घी ऊंट को खिला दूंगा, नहीं तो आप रख दोगे तो आपका घी, नहीं तो मेरा हो जाएगा। ऐसे विनोद भरी बातों माँ जी से कह दिया, बालक ने बातें कर ली, माँ जी कहा ठीक बेटा जाओ, चले गए। लेकिन वहां ठाकुर साहब बैठे बातें करते, ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब मैं आज ऐसे श्रद्ध करके आया हूँ, कैसे बड़े ऊंट चलाता हूँ देखो। तब ठाकुर साहब ने यह कहा, अरे ये ऊंट तो हम लोग भी चलाते थे, लेकिन आपके गुरु जी ने, आपके पिताजी ने जो ऊंट चलाया वो चलाया किसी का नहीं। ये जैसे एकदम प्रेरणा मिली ठोकर, अरे क्या हुआ, ये क्या बात कह रहे हैं, मेरे से कोई बात छुपी हुई है, मैं उनका पुत्र हूँ, कभी उनसे कोई बात छुपाते नहीं। वापस आए, वो घी वाली बात तो आई गई, हो गई, अब दूसरी चीज चालू हो गई। होते अब करते क्या, कर जाते सीधे महाराज के पास पहुंचे और कहे, महाराज आपने मेरे से कोई बात छुपा कर क्यों रखी, क्यों क्या बात छुपाई। महाराज कल्याण का मार्ग जो महेंद्र ठाकुर साहब ने मुझे ऐसे कहा कि आपके पिताजी कौन सा ऊंट चलाते हैं बताइए, आपके लिए उन्होंने जो प्रेरणा दी। भाई वो प्रेरणा दी बात सही है, लेकिन मैंने तुम्हें अब तक बताया नहीं क्योंकि तुमने पूछा नहीं, बिन पूछे दाखा गुंज केम, यह मंत्र अगम जानत महेश, सो सती प्रति नायन कहेश। अब तुमने पूछा नहीं और पूछे बिना मैंने बताया नहीं। पूछा मतलब भूख नहीं होती है तो बिना भूखे केवा खाया कोई भोजन पचता नहीं है, चाहे कैसी बढ़िया से बढ़िया मलाई खा लो, लेकिन भूख नहीं हो तो रुचे नहीं, तो रुचेगा नहीं पचेगा। भूख होगी तो सूखे लू के टुकड़े भी है वो बच जाएंगे और हजम हो जाएंगे। इसलिए पूछे बिना, तुमने पूछा नहीं तो बिना पूछे मैंने बताया नहीं, और पूछना है तो अब बताना ही है। लोगो ये राम भजन करना है, भजन की रीति बता दी, ऐसे बैठो और भजन को श्वासोच्चार स्मरण करना चालू कर दो, उस नाम को हृदय में जो स्थान मिलेगा अपना आप आगे मार्ग खुलता रहेगा, ये काम करना पड़ेगा। और बस अब बाकी सारी बातें छोड़ छाड़ कर भजन की तरफ रुचि बन गई तो भजन में लग गई बस। तो 1836 में जब इधर लगे तो उनके भाव जागृत हुए कि गुरु महाराज ने ये प्रेरणा दी है, तो वास्तव में तो सब लोग इससे प्रभावित हैं, तो गुरु महिमा कितनी विचित्र होनी चाहिए। तो ऐसे उनके हृदय में भाव आते गए और आने वाले इन भावों को आगे लिखते 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 दयाल जी महाराज ने गुरु प्रकरण रूप इस ग्रंथ के रूप में उसकी रचना कर दी।